60 सीट के नीचे अगर आती है तो, लेकिन इस बार अगर आपको फिर से मौका नहीं मिला तब क्या चीज़? बने ना बने तो भविष्य में है, किस रूप में रहेगी ये भविष्य में है, गठबंधन तो पहले भी थे। थर्ड फ्रंट जो है सीट या परसेंटेज देखे, वोट परसेंटेज तो मिल सकती है, पिछले 3 चुनाव को अगर देखते हुए तो इस बार का आपका आकलन क्या है? मैं भी आप सभी के समक्ष पिछले 10 सालों से इस बात को कह रहा हूँ कि मैं स्वयं लगभग चश्मदीद गवाह था, और उस हद तक चश्मदीद गवाह था कि एक भी पुलिस की आरोपी या पुलिस की तैनाती झीरम घाटी क्षेत्र में नहीं थी। 60 सीट के नीचे अगर आती है कांग्रेस की तो एक निराशा होगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने वाकई बुनियादी कई बड़े अच्छे काम किए। 14 में कांग्रेस है, सब जीत सकती है 14 में, लेकिन अंत में क्या होगा ये कहना मुश्किल। 14 में 14 बार बार आना ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। अच्छा सर, इस बात को लेकर भी है कि आप लोग जब इतने आश्वस्त हैं कि 60 सीटें आ रही हैं, 75 पार का नारा था, तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हाईकमांड जिनको तय करेगा, ये हम लोग साथ में बैठ के बात भी इसमें कर चुके हैं, भूपेश भाई के साथ भी बैठ चुके हैं, महान जी के साथ भी बैठ चुके हैं, साझा भी बैठ चुके हैं, शैलजा जी के साथ भी सब कोई साझा बैठ चुके हैं, और हम सबकी एक राय कि इसमें कोई आगे पीछे मीन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक लाइन हाई कमांड जो तय करे वो फाइनल, और सब इसमें सहमत। सर, लेकिन इस बार अगर आपको फिर से मौका नहीं मिला तब क्या चीज़? अगर मगर की तो बात ही नहीं है, हाई कमांड ने जो तय कर दिया वो फाइनल। सर, ये एक खाने की भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर हो रही है कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, क्या कुछ रहेगा यहाँ? हाँ, चर्चा को अच्छा चर्चा है यहाँ के साथ भोजन। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूँ परसों, और वहाँ जिन लोगों ने चुनाव के समय भाग लिया उनके साथ मिलना जुलना, धन्यवाद देना, तो भोजन के साथ धन्यवाद देना चाह रहा था। इसके अलावा भी विधायकों को सुरक्षित रहे, कहीं कोई जाए ना, इस बात को सुनिश्चित करें? मुझे नहीं लगता, परिपक्व जनतंत्र में आज इसकी आवश्यकता छत्तीसगढ़ में पड़नी चाहिए, और मार्जिन ही इतना रहेगा कि ऐसी कोई संभावनाएँ नहीं रहेंगी। सर, पनौती वाले वार्ड को लेकर जो काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, राहुल गांधी ने मोदी को पनौती कहा, क्या आप भी इस वार्ड से इत्तेफाक करते हैं कि वास्तव में उन्होंने सही कहा या कहना नहीं चाहिए था? एक लक बैड लक की बात है, शब्दों का चयन जैसा होता है उसका प्रचार और दुष्प्रचार बहुत हो सकता है, उनने उसी नाते कहा। आजकल एक दूसरे को सब कह रहे हैं, चुनाव का भी मौसम है और कोई चूक नहीं रहा है, तो उनने भी एक कमेंट कर दिया कि भाई बैड लक हो गई इंडिया टीम के साथ। सर, विधानसभा आप लोग जीत रहे हैं और मार्जिन भी अच्छा रहता है, लेकिन लोकसभा उसके कुछ महीने बाद रहता है, और उसमें ये देखा जाता है कि तीनों चारों लोकसभा चुनाव में कि एक या दो सीट कांग्रेस जीत पाती है, इस बार बेहतर परिणाम दे पाएंगे छत्तीसगढ़ से, इसके लिए कुछ प्रयास है? इश्यूज अलग रहते हैं, और एक जो नई परिकल्पना हुई है इंडिया अलायंस की, तो मुझे लगता है कि वो भी अगर बनती है तो इसका फर्क पड़ेगा, और वो बने ना बने तो भविष्य में है, किस रूप में रहेगी ये भविष्य में है, गठबंधन तो पहले भी थे, ये जो नया स्वरूप है ये हो पाएगा कि नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में परफॉर्मेंस कांग्रेस का लोकसभा में भी पिछले बार से कहीं बेहतर रहेगा। सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि अब छत्तीसगढ़ पुलिस जो है झीरम कांड की जांच करेगी, वो स्वाभाविक है। देखिए, ये बहुत पहले आ जाता तो अच्छा रहता निर्णय, क्योंकि बहुत क्लियर है NIA को जो जांच के बिंदु दिए गए थे उसमें ये जो षड्यंत्र वाली बात है ये नहीं थी, और मैं भी आप सभी के समक्ष पिछले 10 सालों से इस बात को कह रहा हूँ कि मैं स्वयं लगभग चश्मदीद गवाह था, और उस हद तक चश्मदीद गवाह था कि एक भी पुलिस की आरोपी या पुलिस की तैनाती झीरम घाटी क्षेत्र में नहीं थी। उस दिन जबकि एक जिम्मेदार राष्ट्रीय नेशनल लेवल के अखबार ने एक आर्टिकल भी छापा था कि कम से कम 26 से 28 इनपुट घटना के लगभग 3 हफ्ते से मिल रहे थे कि नक्सली उस क्षेत्र में बड़े एक्टिव हैं, तो ये पुलिस सो रही थी क्या? राजतंत्र सो रहा था क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अर्धसैनिक बल और राज्य की पुलिस फोर्स जो एक साथ काम करती है उसके हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर तक अगर ये जानकारी जा रही थी और सबको मालूम था कि कांग्रेस का ये घोषित कार्यक्रम है, हमने DGP को लिख के भेजा था, मैं स्वयं उस कार्यक्रम का प्रभारी था, निचले स्तर के अधिकारियों तक ये लिखित में सूचना थी, इस बात की तस्दीक उन्होंने
जो कोर्ट के माध्यम से कमीशन बैठा था उसमें भी उन्होंने कही कि हाँ हमको इस बात की जानकारी थी, फिर वहाँ पुलिस तैनात क्यों नहीं थी? क्यों वहाँ पर लोगों से पूछा जा रहा था कि नंद कुमार पटेल कौन है? नक्सली हमला है तो नक्सली हमला है, उनने वारदात की, गोली चलाई और निकल जाते हैं, वो जाके पूछते नहीं हैं नंद कुमार पटेल कौन। एक लड़के ने मुझसे पूछा था और ये मैंने कमीशन के सामने भी दोनों बातों को कहा था कि एक लड़के ने मुझे जगदलपुर के अस्पताल में उस रात में बताया कि बाबा मेरे से पूछ रहे थे कि तुम दिनेश हो क्या। तो टारगेटेड दो लोगों के नाम, बहुतायत लोगों ने नंद कुमार पटेल मुझे उस रात को बताया, उस रात को अस्पताल में गोली लगे हुए स्थिति में, कोई बाद की बात नहीं है, उस लड़के ने उसी अस्पताल में उसके आंगन में मुझे बताया था कि मेरे से बाबा पूछा था कि तुम दिनेश पटेल हो क्या। तो स्वाभाविक है कि ये नक्सली हमला नहीं था, टारगेटेड वारदात थी, ये मर्डर था, प्री प्लान्ड मर्डर था। तो ये साजिश कैसे हुई? आप लोग भी जानते हैं कि नक्सली क्षेत्र में अगर कोई ऐसे विचरण करते हैं और कहीं भी खतरे की बात रहती है तो पुलिस रोक भी देती है। यहाँ से जांच दल भी गए, विधायकों के जांच दल गए, कहीं पर आग लगा दी गई थी गांवों में, उसको जांच करने के लिए गए, लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया। तो उस दिन हम लोग को कैसे जाने दिया? इस काफिले को उस जानकारी होने के बाद ना तो लोगों को तैनात किया, ना हम लोग को रोका, ना जाते समय रोका, ना वापस आते समय रोका, ना जाते समय आरोपी लगाई, ना लोगों को बगल में तैनात किया, ना वापसी के समय तैनात किया। उनको तो मालूम था ना कि हम लोग अब सुकमा पहुंच गए, वारदात तो वापसी में हुई, तो वापसी में उनने ये भी नहीं पूछा कि आप किस रास्ते से जाओगे, और एक अखबार में अगले दिन छपवा दिया कि नहीं उनको तो दूसरे रास्ते से जाना था। यानी कितनी शर्मनाक बात, जो हर तरह से एक षड्यंत्र की तरफ साफ संकेत दे रही, साफ साफ बता रही है कि ये तो एकदम गड़बड़ मामला है। सर थर्ड फ्रंट जो है सीट या परसेंटेज देखे, वोट परसेंटेज तो मिल सकती है, पिछले तीन चुनाव को अगर देखते हुए तो इस बार का आपका आकलन क्या कह रहा है? ये विधानसभा चुनाव में कि लोकसभा चुनाव में? विधानसभा। अमूमन 35% वोट कांग्रेस बीजेपी के, 32% कॉमन रहते हैं हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, किसी को एक में कम सीट आए किसी को ज़्यादा सीट आए, ये दोनों पार्टियाँ एक न्यूनतम प्रतिशत से नीचे नहीं जाती और वो बरकरार रहेगा। पिछले चुनाव में मेरे ख्याल से 82% कांग्रेस और बीजेपी ने वोट शेयर लिया था और 16% अन्य थे, तो 16% अन्य जो वोट थे, मुझे लगता है कि 16% 20% से ज़्यादा वोट इधर उधर नहीं जाएंगे। ये जो दो मुख्य राजनीतिक दल हैं कांग्रेस और भाजपा, 80% वोट या उससे कुछ ज़्यादा ये कांग्रेस और भाजपा शेयर करेगी। इसमें से किसको किस विधानसभा में कम या ज़्यादा मिलेंगे वो परिणाम तय करेगा। सर ये थर्ड फ्रंट जो है कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकता है क्या, क्योंकि कई जगहों पर देख रहे हैं कि बीएसपी, जेसीसीजे और अदर दल उतरे हुए हैं? ये पिछले चुनाव में भी थे, बीएसपी और जोगी कांग्रेस पहले मिल के लड़े थे, गोंडवाना पार्टी पहले भी कांग्रेस से पृथक होकर ही लड़ती थी, तो कोई नया फैक्टर नहीं आया है। आम आदमी पार्टी एक नया फैक्टर आया था लेकिन कहीं पता नहीं चला, चुनाव के दरमियान कहीं पता नहीं चला कि आम आदमी पार्टी का कहीं स्पाइक है, कहीं ग्राफ कोई ऐसा बढ़ा है। तो जो हैं उसी के अंदर सिमटे हुए हैं, 80% कांग्रेस भाजपा, 20% पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये जो तय होना है 80% वोट में तय होना है। आप मेरा आकलन आज आपके सामने है, 3 तारीख को आप इसकी समीक्षा कर लीजिएगा। मिल जाएगा सबको दिवाली के बाद सही, लेकिन मिला तो